हेलो एवरीवन बेटा, हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे जहाँ पे हम देख रहे थे इंडियन इकोनॉमी की हालत बिटवीन 1950 टू 1990, जिसमें हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड क्या पॉलिसी बनाई हमने। लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म करा, लैंड सेलिंग को इंट्रोड्यूस करा, फिर लैंड सेलिंग को बाद हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पर बातें करी। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने कहा कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन एक नई टेक्नोलॉजी है, फार्मर्स के पास पैसा नहीं होता, तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज की बात करी। अब मुझे बताना है हमारे नेहरू जी ने इंडस्ट्री को लेके क्या किया। हमारे नेहरू जी ने इंडस्ट्री को लेके 1950 से 1990 के बीच में क्या बनाया, क्या प्लान्स बनाए, तो एक एक करके वो डिस्कशन करते हैं। बेटा पहले ही आपको पता है जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर था वो कैसी हालत में था। वो अच्छी हालत में नहीं था, उसकी हालत पहले से क्या थी, खस्ता थी। ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडस्ट्री सेक्टर की पहले बैंड बजा रखी थी। हमारे यहाँ लगभग कितने परसेंट लोग इंडस्ट्री पे काम करते थे, 10-15%, क्योंकि उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह सब ख़त्म करा दी थी। वो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया था। और इसी चैप्टर नंबर 2 में हमने 2 गोल्स पढ़े थे कि हमें क्या करना है मॉडर्नाइजेशन, हमें क्या करना है मॉडर्नाइजेशन, और हमें क्या लेके आनी थी इक्विटी। वो एक इम्पॉर्टेंट गोल था, वो इंडस्ट्री में उसकी ज़रूरत थी कि हम नई टेक्नोलॉजी अडोप्ट करें और जो रिच और पुअर का गैप है वो कम कर सकें। लेकिन मेन बात क्या है, ध्यान से सुनो, ये मेन बातें नहीं है, ये तो ऐसे ही शुरू के 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मेन पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। देखो इंडस्ट्री सेक्टर को 2 लोग चला सकते हैं। इंडस्ट्री कौन कौन 2 सेक्टर लोग खोल सकते हैं समझना। एक तो पब्लिक सेक्टर, मतलब सरकारी डिपार्टमेंट, कि भाई सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री खुद सेट करें, और एक प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दें। आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग में बताया था हमने कौन सी इकोनॉमी ऑप्ट करी थी। जल्दी बोलो, तुम जल्दी से बताओ हमने कौन सी इकोनॉमी ऑप्ट करी थी, देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर देता है। मैंने इस स्टार्टिंग में बताया था ना, अब देखना उस बात की धजिया कैसे उड़ेंगी। भैया आपने बताया था, नेहरू जी ने कहा था हमें मिक्स इकोनॉमी ऑप्ट करी है। सब बच्चों ने मुझे आंसर दिया कि नेहरू जी ने हमें कहा था कि हमने मिक्स इकोनॉमी ऑप्ट करी है, जिसमें पब्लिक भी होगा जिसमें प्राइवेट भी होगा। अब ध्यान से सुनना, लेकिन जब इंडस्ट्री सेट करने की बात आई थी, अब सुनना बात को ध्यान से, जब इंडस्ट्री सेट करने की बात आई थी बेटा, बड़ी फैक्ट्री खोलने के लिए बेसिकली क्या पैसा चाहिए होता है, हाँ और ना। क्या फैक्ट्री खोलने के लिए ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, जेब में अपना बढ़िया पैसा चाहिए, हाँ या ना। हाँ भैया, फैक्ट्री खोलने के लिए पैसा चाहिए, फैक्ट्री खोलने के लिए पैसा चाहिए। अब बात समझना, जब इंडिपेंडेंस मिली थी यार, अभी अभी तो हमारा नया देश बना ही था, तो पहली बात इंडस्ट्री खोलने के लिए चाहिए होता है पैसा। एक तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था, नो डाउट, भाई प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा पैसा नहीं होगा, अभी तो नया नया देश बना है। और दूसरी बात, आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, अभी हमारा नया देश बना है जहाँ पे इतने दंगे होते रहे थे, और इवन 1950 और 1990 के बीच में भी, मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता रहूँगा कि काफ़ी दंगे हो रहे हैं। और बेटा अगर जहाँ पे भी इंडस्ट्री को ये लगे कि यार यहाँ तो हमेशा ही दंगे होते रहते हैं, यहाँ तो हमेशा ही छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है, तो ऐसी ऐसी जगह में कोई इंडस्ट्री खोलना चाहेगा क्या, बताओ? किसी को कॉन्फिडेंस होगा उस समय प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री खोलने में? अगर आप उस समय प्राइवेट सेक्टर के लोग होते और आपको लगता है कि यार यहाँ तो हमेशा ही कुछ ना कुछ पंगा पड़ा रहता है, तो क्या अगर आपकी जेब में पैसा भी होगा, क्या आप फैक्ट्री लगाने के लिए रेडी होंगे क्या? तो सब बच्चे कह रहे हैं नहीं भैया, हम तो रेडी नहीं होंगे, हम क्यों लगाएं भैया, पैसा क्यों बर्बाद करें, जब यहाँ पे कभी कोई दिक्कत है, कभी किसी के बीच में, कभी हमारे इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी, कभी चाइना के साथ, कभी बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से तो वो भी इंडिया ने कराया था, इंटरनल रॉयड्स होते रहते थे, आपस में लोगों को लड़वाते रहते थे। 1974 में यहाँ पे एमरजेंसी लगी थी इंडिया में, 84 में अलग दंगे हुए थे, और ऐसे तो अनलिमिटेड लिस्ट है, तो लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं था बिजनेस खोलने में। तो बेटा ये बात हमें पहले लिखनी है कि जब इंडस्ट्री खोलने की बात आई ना, तो भाई इंडस्ट्री खोलने में चाहिए होता था पैसा, और इंडस्ट्री खोलने के लिए कॉन्फिडेंस होता है कि यार इस एरिया में हम इंडस्ट्री खोले या नहीं। तो पहली बात, ना तो प्राइवेट सेक्टर पे पैसा था, और दूसरी बात, जिस पे पैसा भी था तो उसे कॉन्फिडेंस नहीं था सरकार के ऊपर कि हमें क्या दे देगी सिक्योरिटी। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर ने कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करा। तो आप खुद बताओ इम्पोर्टेंट रोल किसे प्ले करना था इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, इम्पोर्टेंट रोल किसका आ गया कि भाई अब सारा दारमदार किस पे आ गया कि अगर भाई इंडस्ट्री बनानी है, इंडस्ट्री खोलनी है, तो सारा रोल किसे लेना पड़ेगा इंडस्ट्री खोलने का।
आप सबने कहा मेरे पे बेटा बेटा आंसर लिख दिया करो, मोदी जी तुम्हारे पे फालतू टैक्स नहीं लगाएंगे अगर आंसर लिख के भेज दोगे। हाँ वे 2-3 बच्चों के आंसर नहीं आते, अब आए ना 2-3 के कि हाँ भैया पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा रोल आ गया, गवर्नमेंट पे इम्पोर्टेंट रोल आ गया कि गवर्नमेंट को सारा रोल प्ले करना पड़ेगा। पहले तो ये लिखेंगे, चलो बात समझ भी आती है, बुक में ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक बात आपको चलो धीरे धीरे पहले समझा दूँ, फिर अपना प्रैक्टिकली डिस्कशन करेंगे। पहले अच्छे बच्चों की तरह जो बुक में लिखा है जिससे कि आपको नंबर मिल जाए, है ना, फिर हम डिस्कशन करेंगे क्या ये पॉलिसी सही रही थी या गलत। मैं अभी बेटा 1950 से 1990 की पॉलिसी बता रहा हूँ, और जब मैं 91 में आऊँगा ना ये सारी पॉलिसीज गलत बता दूंगा, ये सारी की सारी पॉलिसीज गलत बता दूंगा कि जो भी किया सरकार ने बेड़ा गर्क किया था। जितनी पॉलिसी हम बना रहे हैं ये सारी पॉलिसी 91 में रिवाइज करा देंगे। फिलहाल अभी समझ ले कि उस समय ऐसा ऐसा हुआ था, अभी लिखने की बिल्कुल भी कोशिश ना करना, बस समझो ए और बी पॉइंट बस वही है जो मैंने आपके साथ शुरू में डिस्कस करे, मेन इसका सी और डी समझाए और अभी मेन डिस्कशन होने सुनते रहो। अभी कह रहा है हमारा गोल था कि हमें इकोनॉमी को डेवलप करनी है, तो इकोनॉमिक्स का मानना था एफिशिएंट और स्टेबल इंडस्ट्रियल सेक्टर होना चाहिए। ये हम 1950 में कह रहे हैं और 1990 तक नहीं कर पाएंगे ये बात। हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बनाना पड़ेगा, लोगों को तभी तो जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, कुछ भी नहीं लिखना, ये खाली नॉलेज के लिए कह रहा है। इसीलिए हमने मॉडर्नाइजेशन और इक्विटी गोल्स बनाए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के, जिससे कि हमारी इकोनॉमी क्या कर सके, ग्रो कर सके। ये तो फालतू की बात है जो मैंने मेन समझाया, जो आपको लिखना है, जिस पे क्वेश्चन आ सकता है वो है ये। और अभी पूरी बात नहीं हुई, अभी बहुत बातें बतानी है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ध्यान से सुनना। कह रहा है जब मुझे इंडस्ट्रियल वेंचर स्टार्ट करना होता है तो पैसा चाहिए, कोई नई बात नहीं है, सबको पता है। इंडिपेंडेंस के समय प्राइवेट लोगों पे इतना पैसा नहीं था, सही बात है। और दूसरी बात इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत पतली थी, तो लोगों में कॉन्फिडेंस भी नहीं था। दो बातें, जेब में पैसा नहीं था प्राइवेट सेक्टर के, और उनके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं था। अगर पैसा अरेंज कर भी लें तो कॉन्फिडेंस नहीं था, यार मैं क्यों लगाऊं इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया में। कैपिटल की कमी होने के कारण और इनस्टेबिलिटी के कारण कॉन्फिडेंस ना होना इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, तो सारा इंपॉर्टेंट रोल किसे प्ले करना पड़ा, गवर्नमेंट को, कि उन्हें स्ट्रॉन्ग और रिलायबल इंडस्ट्रियल बेस बनाना पड़ेगा जिससे हमारी डेवलपमेंट हुई। ये उन्हें करना चाहिए था, उन्होंने किया कितने अच्छे से ये अभी देखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। अभी तो ये बताया उन्हें ये करना चाहिए था कि भाई प्राइवेट वाले पीछे हो रहे हैं 1956-50 में, तो तुम्हें इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ में। अभी देखेंगे उन्होंने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा, उन्होंने इसकी डेवलपमेंट करी या इसकी और बैंड बजा दी, अभी सब बताऊँगा। गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी पड़ेगी कि द स्टेट हैड द ओवरऑल कंट्रोल एंड द पॉलिसीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वुड हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दोस ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब इन शॉर्ट सारा कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, पब्लिक का रोल प्ले करना जरूरी था। आपको लिखना कितना है और इस पर क्या क्वेश्चन बनता है वो बता दो। क्वेश्चन ये बनता है इस पर NCERT पे या जो पेपर में आएगा कि जिस समय इंडिपेंडेंस मिली तो पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंट रोल क्यों प्ले करना पड़ा, तो उसका सिंपल जो ये सेकेंड पैराग्राफ है ये आपको ये आंसर उसका लिखना पड़ेगा। लैक ऑफ कैपिटल के कारण और कॉन्फिडेंस नहीं था प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री पे, तो गवर्नमेंट को ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ा जिससे कि हमारी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो सके, तो उन्होंने ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन अभी 2-3 बातें वो समझानी, और पहले MCQ वाली बात बता दूँ फिर बताता हूँ मेन रिफॉर्म्स। ये तो अभी हालत बताई ना क्या होना चाहिए, अभी रिफॉर्म्स बताऊंगा आराम से। पहली बात, उस समय भैया कितनी इंडस्ट्री थी, ये तो यार खाली रटना है कि उस समय 2 मेन इंडस्ट्री थी जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, कॉटन और जूट की इंडस्ट्री थी और 2 वेल मैनेज आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी, एक जमशेदपुर में थी और एक कोलकाता में थी। तो नो डाउट हमें इंडस्ट्रियल बेस बढ़ाना था, ये MCQ बन सकता है कि कितनी इंडस्ट्री थी, कॉटन जूट और आयरन एंड स्टील। आयरन और स्टील कहाँ थी, एक जमशेदपुर में और एक कहाँ पे थी, कोलकाता में। अभी हमने हालत देख ली, अब लेके आने हैं रिफॉर्म्स बड़े ही प्यार से। पहले जरा मैं ये वाला रिफॉर्म समझा दूँ पूरा, IPR 1956।
वाह क्या सोच है, रुको अभी ये दो रिफॉर्म्स, एक आईपीआर 1956 और एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिफॉर्म्स, अभी आईपीआर पे पूरा डिस्कशन कर लूँ, बहुत ही बढ़िया, आपको पढ़ के मजा आएगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, अब देखना गवर्नमेंट को आईपीआर मतलब गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें गवर्नमेंट ने तीन टाइप की इंडस्ट्री लॉन्च करी। उन्होंने कहा इंडिया में तीन इंडस्ट्री बन सकती है, अभी देखना कौन कौन सी तीन इंडस्ट्री बनेगी, कौन कौन से तीन टाइप की या तीन टाइप की इंडस्ट्री है ये। देखो बेटा, या तो इंडस्ट्री पे पब्लिक सेक्टर रोल प्ले करता है या प्राइवेट सेक्टर, है ना। टाइप वन तो वो हुआ इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग जिसमें पूरा कंट्रोल किसके पास रहेगा, समझना, पूरा कंट्रोल ही किसके पास रहेगा, पब्लिक सेक्टर। दूसरा केस ऐसा बनाया जहाँ पे पब्लिक भी होगा, जहाँ पे पब्लिक भी होगा और प्राइवेट भी होगा, लेकिन लेकिन सुन लेना, मेजर कंट्रोल स्टार्टिंग करने का जो कंपनी स्टार्ट करेगी या ज़्यादा मैनेज करेगी वो वंस अगेन पब्लिक होगी। भाई एक एक टाइप तो इंडस्ट्री का वो बना जिसपे पूरा कंट्रोल ही किस पे है, पब्लिक के पास। दूसरे में पब्लिक प्राइवेट दोनों होगी लेकिन मेजर कंट्रोल किसके पास होगा, पब्लिक के पास। और तीसरा, नो डाउट आप क्या कहोगे, भैया तीसरी इंडस्ट्री हम किसे बनाने के लिए अलाउ करेंगे, प्राइवेट सेक्टर। लेकिन देखना यहाँ कितनी बड़ी गड़बड़ करी और उस पर कितने करप्शन हो और इसी ने सत्यानाश किया। कह दिए तीसरे टाइप की इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर खोल तो सकते हैं लेकिन उन्हें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। उन्हें गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो आप कर लो, लेकिन अनलेस आपके पास लाइसेंस नहीं होगा आप बिजनेस नहीं कर सकते। क्या आपको ये नहीं लग रहा तीनों पे कंट्रोल ही सरकार का हो गया। चलो भाई एक तो पब्लिक सेक्टर बनाएगी इंडस्ट्री मान लिया, एक पब्लिक और प्राइवेट का कॉम्बिनेशन होगा लेकिन मेजर कंट्रोल पब्लिक का हो गया, भाई वो स्टार्ट करेगा। भाई तीसरा प्राइवेट सेक्टर को दिया लेकिन उस पर लाइसेंस सिस्टम लगा दिया कि बिना लाइसेंस के आप क्या नहीं कर सकते, कोई इंडस्ट्री नहीं खोल सकते। और हम इसके एडवांटेज गिनवाएंगे, अभी सुनना, मैं इस चैप्टर में जो ये चैप्टर टू है अभी मैं खुद इसकी गुणगान करूँगा कि हमने लाइसेंस कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसके पीछे के रीजंस थे कि गवर्नमेंट ने लाइसेंस इंट्रोड्यूस क्यों किया। अभी मैं बहुत अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाऊँगा कि लाइसेंस सिस्टम अच्छा है, और फिर मैं अगले चैप्टर में 1991 में जब आऊँगा मैं कहूँगा यही ख़राब था, यही क्या था, ख़राब था। अब आप मुझे ये बताओ कि लाइसेंस सिस्टम रखना आपके अकॉर्डिंग सही था या नहीं था। गवर्नमेंट ने लाइसेंस सिस्टम रखा उस समय हमारे इंडस्ट्री के ऊपर कि भाई कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला बिना सोचे समझे कोई भी क्या नहीं कर सकता, कोई भी प्राइवेट सेक्टर बिना परमिशन के इंडस्ट्री नहीं खोल सकता। अब कितने दोनों के मिक्स कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, कितने बच्चे कह रहे हैं भैया सही था, चैप्टर टू के लिए सही था, होना तो चाहिए था, नहीं तो सभी लगा लेंगे, गवर्नमेंट पे ज़्यादा कंट्रोल होगा, लिमिटेड एक्सटेंट तक लगाना चाहिए था। आदित्य और सारे बच्चे जो कह रहे हैं ना होना चाहिए, अब मैं आपको खुद बताता हूँ बेटा, अभी तो अच्छे बच्चों की तरह ही पढ़ाऊँगा ना, क्योंकि आपको पेपर में आंसर लिख के आना है कि हमने क्यों लगाया, उसके रीजंस देने हैं पेपर में कि हमने लाइसेंस इन इन रीजंस के कारण लगाए थे, कि प्राइवेट सेक्टर पर हम क्या कर सकते हैं, तीन चार पॉइंट बता देंगे कि इसलिए लाइसेंस लाए थे। लेकिन बेटा इंडिया का इन सब पॉलिसी के कारण सत्यानाश हुआ है, इंडिया की जो ग्रोथ हुई है ना वो 91 में रिफॉर्म्स के कारण हुए हैं, जिसमें इन रिफॉर्म्स के बिल्कुल अपोजिट रिफॉर्म्स लिए जाएंगे। बेटा अगर समझो लाइसेंस सिस्टम सही होता ना तो इंडिया 91 के बाद ग्रो ना करता बेटा, फिर 91 में हम लाइसेंस सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। अभी ज़रा आराम से समझते हैं कि लाइसेंस सिस्टम क्यों लाएँ, खाली उस समय की बातें कर लें। भाई सरकार ने क्यों इंट्रोड्यूस करा लाइसेंस सिस्टम, कोई तो रीज़न होगा, दो तीन रीज़न है। पहली बात, इसके थ्रू वो प्राइवेट सेक्टर को क्या करना चाहती थी, कंट्रोल, कि भाई कोई भी बिना सोचे समझे गवर्नमेंट, कोई भी प्राइवेट सेक्टर बिना सोचे समझे क्या नहीं ले सकता, लाइसेंस नहीं ले, कोई भी फैक्ट्री नहीं लगा सकता, पहले उसे क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगी, तभी आपके पास एक परमिशन है कि आप उस एरिया में क्या खोल सकते हो, फैक्ट्री खोल सकते हो। पहले मैं आपको ये देखो ये लाइसेंस क्यों इंट्रोड्यूस करा है, इसके ऑब्जेक्टिव थे एक एक। पहली बात, एक तो सरकार पे क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा, सरकार पे कंट्रोल रहेगा। दूसरा, ये पॉइंट अच्छा था, नो डाउट ये अच्छा था, लेकिन हमारे यहाँ करप्शन भी तो उतना अच्छा होता है। ये पॉइंट अच्छा था, प्रमोटिंग रीजनल इक्वालिटी। भैया ये पॉइंट क्या है, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
आज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ, तब आपको 1950 की बात समझ में आएगी। बेटा आप इंडिया में, इंडिया का कौन सा एरिया ग्रोथ हो चुकी है, कौन सा एरिया बैकवर्ड है, आप इंडिया का एक बैकवर्ड एरिया बता सकते हो मुझे? कोई भी बच्चा मुझे इंडिया का आज ऐसा एरिया जो थोड़ा सा बैकवर्ड हो, मैं लाइसेंस का यूज़ करके उस एरिया को ग्रो कर सकता हूँ। मेरे पे काफ़ी अच्छे आंसर आए। जानवी कह रही है बिहार, कशिश कह रही है असम, हरपंत बिहार, ये जो हमारा असम बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न जो साइड है, बिल्कुल सही। सब बच्चों ने एक आंसर बिल्कुल सही दिया, बिहार और अपना असम साइड और अपना नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो है, हम इस पर यार ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हमें इस एरिया को ग्रो करना है। और अगर और एक एरिया ऐड कर लूँ, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि हालत वहाँ पे सही नहीं रहती और अब हालत सही हो रही है। अब आर्टिकल 370 हट गया, अब गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इस एरिया की भी बहुत जल्दी बहुत बढ़िया ग्रोथ होगी। तुम टेंशन ना लो, जब तक करंट गवर्नमेंट है वो जम्मू कश्मीर को भी अपने कब्जे में लेके बढ़िया ग्रोथ कर देगी। अब जो ये एरिया है, ये बैकवर्ड एरिया होता है, गवर्नमेंट लाइसेंस के थ्रू इसकी ग्रोथ कैसे कर सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लाइसेंस दिया कि भाई मैं यूपी में फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ या मैं उत्तराखंड में फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, तो आपकी लाइसेंस की रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। आपकी लाइसेंस की रिक्वेस्ट को क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल, कि भाई ये एरिया तो ग्रोथ हो गया, यहाँ की लाइसेंस नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने लाइसेंस दिया कि भाई मुझे बिहार में फैक्ट्री लगानी है, असम नॉर्थ ईस्टर्न साइड या जम्मू एंड कश्मीर में लगानी है, आपने वहाँ के लिए क्या दिया, लाइसेंस की रिक्वेस्ट करी, तो आपका लाइसेंस अप्रूव कर दिया जाएगा। क्या ये पॉलिसी अच्छी थी या नहीं? भाई वो क्या कह रहे थे, हम रीजन को इक्वालिटी वाइज ग्रो कर देंगे लाइसेंस के थ्रू। पॉलिसी अच्छी थी, इम्प्लीमेंटेशन में ही तो कमी आती है यार इंडिया में। पॉलिसी तो अच्छी थी कि यार जिस एरिया की ग्रोथ नहीं है ना, जिस एरिया की ग्रोथ नहीं है उस एरिया के लिए आप लाइसेंस अप्लाई करो, आपको बहुत जल्दी क्या मिल जाएगा, आपको बहुत जल्दी लाइसेंस मिल जाएगा, ये लिखा हुआ था भैया। बट जो जगह रहते हैं वहीं तो लगेगी इंडस्ट्री, बट जो जहाँ रहता है ऐसा कुछ नहीं होता बेटा वानी। फॉर एग्जांपल, अब मैं मुजफ्फरनगर में रहता हूँ लेकिन मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, ज़रूरी कोई है कि हम यहाँ लगाएंगे इंडस्ट्री, पूरे इंडिया में हमें तो ये देखना पड़ेगा उस गुड्स के लिए, उस गुड्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल लोकेशन कहाँ पर है, गवर्नमेंट कहाँ पर टैक्स कम लगा रही है, गवर्नमेंट कहाँ पर ज़्यादा सब्सिडीज़ दे रही है। अगर मुझे उत्तराखंड में टैक्स कम लग रहे हो, सब्सिडीज ज़्यादा लग रहे हो, मैं वहाँ चला जाऊँगा फैक्ट्री लगाने, ये तो नॉर्मल है बेटा। कितने लोग पूरे इंडिया में कहीं भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, पर भैया जहाँ ग्रोथ होगी वहाँ और ज़्यादा ग्रोथ हो तो अच्छी बात है ना। हरपंत, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि भैया जहाँ ग्रोथ हो रही है वहाँ और ग्रोथ कर लो, इससे बढ़िया। लेकिन हम बैकवर्ड एरिया को भी तो नहीं छोड़ सकते ना बेटा, इसीलिए तो डिबेट होती है इकोनॉमिक्स के टॉपिक पे। लेकिन ये पॉलिसी अच्छी थी नो डाउट, कि जिस एरिया में कोई नहीं जा रहा है उस एरिया के लिए अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो हम आपको रीजनल इक्वालिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लाइसेंस जल्दी दे देंगे। लेकिन अच्छा, ये पहली बात आ गई, प्राइवेट सेक्टर पर कंट्रोल करेंगे, इवन गुड्स की क्वालिटी पर भी चेकिंग बनी रहेगी इसके थ्रू, कि भाई कौन सी कंपनी कैसे गुड्स की क्वालिटी बना रही है, कितनी क्वान्टिटी बना रही है, सब पे रिस्ट्रिक्शन लगी रहेगी। लेकिन एक गड़बड़ पता क्या थी इसमें, सुनना, वो तो इनके ऑब्जेक्टिव ही कहते हैं, एक और क्या कंडीशन लगाई इन्होंने, अगर बेटा अपने आप को आपको एक्सपेंड करना है ना, आप अपने आप को एक्सपेंड या डिवर्सिफाई करना चाहते हो, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। भाई फॉर एग्जांपल, मैंने परमिशन ली थी, मैं भाई ऑटोमोबाइल में कार की इंडस्ट्री लगाता, मैंने परमिशन ली और उसमें लाइसेंस में लिखा हुआ था कि 1000 कार मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ। कितने प्रोड्यूस कर सकता हूँ? 1000 कार एक महीने की। फॉर एग्जांपल, अब मेरी गुड्स की डिमांड बढ़ रही थी, मैं 1500 बनाना चाहता था, क्या आपको लगता है वो आपको बनाने देते उसी लाइसेंस पे? ना, वो उनका कहना ये था अगर आप प्रोडक्शन भी और बढ़ाना चाहते हो उसके लिए भी क्या लो, लाइसेंस। यार इतने ज़्यादा रूल्स भी नहीं लगाने चाहिए, जो ज़्यादा रूल्स है ना ये हमारे बिजनेस को, हमारे बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, कि अगर आपको अपने आप को एक्सपेंड करना है, डिवर्सिफाई करना है, और बेटा पहले सब कुछ ऑनलाइन को ही होता था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, वह गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे, खुद जरा प्रैक्टिकली सोचो यार, प्रैक्टिकली एक बार विजुलाइज करो यार, मुझे अगर लाइसेंस चाहिए, ज़्यादा ही कंट्रोल कर दिया है गवर्नमेंट, यही तो सत्यानाश, आप खुद समझो, मुझे एक गवर्नमेंट ऑफिसर से लाइसेंस लेके आना है, मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर से लाइसेंस लेके आना है, मैं सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूँ, 10 बंदों ने सबमिट कर दिया, वो एक ऑफिसर है,
वो क्यों दे भाई आपको अप्रूवल? आप उसे कुछ दे रहे हो क्या अलग से? कर रहे हो उसकी सेवा? अगर आप उसकी अलग से सेवा कर रहे हो तो मिल जाएगा, नहीं कर रहे तो नहीं मिलेगा। तुम टेंशन ना लो, अभी जब मैं इसके लास्ट में कंक्लूजन समझाऊंगा ना तो वहाँ पे ये पूरी बातें बताऊंगा कि इसने करप्शन को बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ा दिया था। कि यार वो लाइसेंस ही नहीं देते थे। अगर आपने पिक्चर देखी हो बेटा, एक मूवी है उड़ान, उड़ान मूवी है, प्राइम पे है। वो स्टोरी है हमारे किस चीज़ के ऊपर, आप बच्चों ने देख लिया होगी कितनों ने, कि वो प्रैक्टिकली स्टोरी दिखा रखी है कि क्या नाम था, डेक्कन, डेक्कन, डेक्कन था ना, ए डेक्कन भैया घूस खरो वो स्ट्रिंग ऑपरेशन क्या, डेक्कन, ए डेक्कन करके एक बंदे ने एरोप्लेन की कंपनी स्टार्ट करनी थी। तो उसमें दिखा रखा है कि जब ज़्यादा कंट्रोल्स हो जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल भाई उसकी कहानी ये थी कि वो शुरू में 1 रुपये में उसने टिकट ट्रैवल कराई है, एयरवे की टिकट उसने 1 रुपये में दिया लोगों को, 1 रुपये में दिल्ली से मुंबई, 1 रुपये में दिल्ली से मुंबई। अब उसे लाइसेंस लेना था किससे, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एरोप्लेन से, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन से। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग ऑलरेडी उस सेक्टर में होते हैं, ऐसे लोगों को क्या ही नहीं लेने देते, लाइसेंस ही नहीं लेने देते, बहुत दिक्कत की बात आ जाती है लाइसेंस। डेक्कन एयरवेज है ना, वही मैं कह रहा था, मुझे डेक्कन एयरवेज, उसमें पूरे अच्छे से दिखा रखा है कि करप्शन किसे कहते हैं, करप्शन किसे कहते हैं। और अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने लगो यार इंडिया में, और वो कहानी तो 2000 से 2007 की है, आप समझना कि आज उससे 40 साल पहले अगर बिजनेस करना हो और लाइसेंस लेना हो तो कितनी बड़ी दिक्कत है। उससे 40 साल पहले बिजनेस करना हो, लाइसेंस लेना हो इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो कितनी बैंड बजा देते होंगे। जो बड़े इंडस्ट्रीज होते होंगे वो कभी भी नहीं चाहता होगा कि कोई नया कॉम्पिटिटर मेरे सामने आए, वो लाइसेंस ही नहीं देने लेने देते होंगे उसे। बेटा बहुत ऐसी कोई, इंडिया की हालत 1950 से 90 तक कितनी ख़राब हुई, 91 में दिखाऊंगा हालत कितनी ख़राब हो चुकी थी। फिलहाल अभी हमने लाइसेंस क्यों रखा, ये देखो, ये 4 पॉइंट है। हम इंडस्ट्री का कंट्रोल, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री का कंट्रोल स्टेट के हाथ में रखना चाहते थे, रीजनल इक्वालिटी बढ़ाना चाहते थे, हम सप्लाई को रेगुलेट करना चाहते थे। कैसे रेगुलेट करते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को एक्सपेंड करने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता। बताओ अगर आप नए एरिया में गुड्स बेचना चाहते हो, नए गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हो, बस इसी काम में लगे रहे हम तो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आते जाते रहे, कोई और गुड्स बना लेगा, कोई और गुड्स बेच लेगा, ये हालत थी इंडिया की। ऑल दो लाइसेंस सिस्टम से गवर्नमेंट किस पे चेक कर रही थी, गुड्स की क्वालिटी पे, कि प्राइवेट सेक्टर सही से बना रहा है या नहीं। भी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर पे इतना कंट्रोल लगा दिया और अपने घर पे देखा नहीं कि पब्लिक सेक्टर ने कितनी बुरी हालत कर रखी है। दिखा देंगे 90 तक कितनी बुरी हालत वो कर चुके होंगे। तो बेटा यहाँ पे आईपीआर कंप्लीट हो गया। आईपीआर पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। आईपीआर ये जो है, ये 2nd 5-year plan का हमारा मेन गोल था, जिसमें 3 इंडस्ट्री बनाई जो मैंने आपको बताई, और 3 इंडस्ट्री में जो तीसरी इंडस्ट्री में हमने क्या रखा, 3rd इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर की थी, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर को हमने क्या कर दिया था, लाइसेंस का कंसेप्ट दे दिया था और उस लाइसेंस के रीजंस दे दिए। तो बेटा पहले अभी इसे लिख लो, कोई डाउट हो पूछ लो। अभी खाली आईपीआर पे डिस्कशन हुआ, इसके बाद मैं एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे डिस्कशन करूँगा। तो बेटा मैं आपको इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री बता रहा था, जिसमें हमने ये देखा कि भाई एक रिफॉर्म्स तो हम आईपीआर का लेके आए, हमने तरीका बना दिया कि 3 तरह की इंडस्ट्री होगी, एक खाली पब्लिक सेक्टर, एक पब्लिक प्लस प्राइवेट, एक प्राइवेट उस पर भी लाइसेंस लगेगा, और लाइसेंस क्यों लगेगा। और दूसरा रिफॉर्म्स लेके आए एसएसआई, बड़ा आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं है इस पर। पहला बात एसएसआई किसे कहते हैं, तो बेटा जो एसएसआई की डेफिनेशन है ना, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। 1950 में एसएसआई किसे कहते थे, मेन बात तो ये समझनी है। एसएसआई वैसे तो नाम से क्लियर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 1950 में एसएसआई उस इंडस्ट्री को कहते थे जिस इंडस्ट्री में अगर आपकी फैक्ट्री में 5 लाख रुपये आपने ऐसे कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, बस कितने, 5 लाख रुपये अगर आप लगा रहे हो फैक्ट्री में, तो आपकी फैक्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाएगी 1950 में। आज के दिन ये लिमिट चेंज हो चुकी है, आप पढ़ लेना, ये चेंज होती रहती है। मे बी ये पुरानी लिमिट लिखे, ये दोबारा और रिवाइज होगी, गवर्नमेंट इसे चेंज करती रहती है। 1950 में उस इंडस्ट्री को एसएसआई कहते थे जिसमें कितने पैसे लगा सकते हो, 5 लाख।
गवर्नमेंट को ना एसएसआई की टेंशन थी, इस पे एक ही क्वेश्चन बनेगा, गवर्नमेंट को ना एसएसआई की टेंशन थी कि यार एसएसआई इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है किसी भी तरीके से, एसएसआई इंडस्ट्री को क्या करना है, प्रोटेक्ट, बचाना था हमें। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने तीन स्टेप्स लिए थे। छोटी छोटी इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट ये चाहती थी कि बड़ी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री को ख़त्म ना कर दे, तो इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप उस समय गवर्नमेंट में होते, मैंने आपको लॉ मेकर बना दिया, मैंने आपको कहा कि भाई उस इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल कहते हैं जिसमें 5 लाख रुपये तक कैपिटल लगा सकते हैं, वो स्मॉल स्केल है। हम चाहते थे ये इंडस्ट्री भी रहे मार्केट में, ये ख़त्म ना हो जाए, तो हमें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते थे, हम कैसे इनकरेज कर सकते थे, या कैसे इन्हें लास्ट स्केल से प्रोटेक्ट कर सकते थे। जो आप कहोगे पक्की बात है वही लिखा होगा। मेरे पे पहला आंसर आया कृति से, भैया लोन दे देना सब्सिडाइज रेट पे। सेम आंसर मैं लिखवाऊंगा, लोन एट सब्सिडाइज रेट। कह रहे छोटी मोटी इंडस्ट्री को ना लोन दे दिया करो कम रेट पे, जिससे कि इनका प्रोटेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल ये बात लिखेंगे, आपने कहा बिल्कुल लिखेंगे। जो एसएसआई के गुड्स है वो बिग हाउसेस ना बनाए, क्या बात है हरपन, पता नहीं अपनी नॉलेज से बताया या कैसे भी, लेकिन बिल्कुल सही बताया। रिजर्वेशन ऑफ गुड्स, हमने गुड्स की रिजर्वेशन दे दी कि भाई ये गुड्स खाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएंगे, काम ख़त्म। ये गुड्स खाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे अगरबत्ती वगैरह उस समय की बता रहा हूँ मैं, अगरबत्ती कह दे कि ये छोटी कंपनी बनाएगी, बड़ी बनाएगी नहीं, कैसे कर लोगे ऐसे कंपनी को बंद, टैक्स नहीं लगाएंगे। सही बात है, एक्साइज ड्यूटी हम कम लगाएंगे या टैक्स लगाएंगे ही नहीं। बिल्कुल यही तीन पॉइंट लिखे हुए, बिल्कुल यही तीन पॉइंट लिखे हुए जो आप बच्चों ने बताया, काम खत्म, पैसा हजम। एसएसआई को हमने प्रोटेक्ट करने के लिए तीन स्टेप्स लिए भाई, उन्हें रिजर्वेशन करवा दिया कि भाई ये गुड्स खाली एसएसआई बनाएगा, उनके लिए हमने लोन दिलवा दिया कम रेट पे, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा देंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे, और क्या चाहिए, या तो उनसे पैसा ना लो, या तो उनसे टैक्स ना लो, या उन्हें सब्सिडीज दे दो, और तीसरा पॉइंट उनके लिए रिजर्वेशन रख दो कि ये गुड्स और कोई नहीं बना सकता। एसएसआई में बस इतनी बात ही याद रखनी है और कुछ नहीं। एक लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय एसएसआई, उसकी लिखनी है। दूसरी बात, हमने एसएसआई को रिजर्व करने के लिए, उन्हें लास्ट स्केल इंडस्ट्री से बचाने के लिए, ये मैंने मार्क कर दिया कितना लिखना है, एक लाइन, ये एक लाइन, उन्हें बचाने के लिए हमने क्या करा, तो मैंने वही पहले पॉइंट, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन, हमने गुड्स प्रोड्यूस रिजर्व कर दिए कि ये खाली एसएसआई बनाएगी, काम खत्म। सेकंड, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमने एसएसआई को कंसेशन दे दिए, जैसे कम एक्साइज ड्यूटी लेना या लोन दे देना कम रेट पे, जो आपने मुझे बताया, और उन्हें बाकी प्रिविलेजेस भी दे दिए, जैसे कि फाइनेंशियल हेड, फाइनेंशियल एड मतलब सब्सिडीज देना, टैक्स में एग्जम्पशन दे देना, जिससे कि वो मार्केट को सर्वाइव कर सके, काम खत्म। यहाँ पे एसएसआई कंप्लीट, इस पे ये क्वेश्चन बनेगा। कल इम्पैक्ट ऑन ट्रेड करेंगे, कंक्लूजन खाली रीड कर लेना, कंक्लूजन में यही लिखा होता है कि हमने इंडस्ट्री सेक्टर में क्या चेंज करा और कुछ नहीं। आपको हैंड रिटन नोट्स में क्या लिखना है, हैंड रिटन नोट्स में आपको एसएसआई का मीनिंग, और हमने तीन जो ये इनिशिएटिव लिए, तीनों पॉइंट कि हमने क्या इनिशिएटिव लिए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इम्पैक्ट ऑन ट्रेड करेंगे, कोई डाउट हो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना।